पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि राज्य सरकार के संरक्षण में प्रदेश में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। भोले भाले आदिवासियों को लोभ या भय दिखाकर धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। दास सोमवार को मिलानी हॉल में भाजपा के अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूर्व सीएम ने ये तक कह दिया है कि ईसाई देशों के फंड के साथ साथ यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए भी धर्मांतरण में लगे हैं। सरकार के संरक्षण में चलने वाला ये घटनाक्रम प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की साजिश है। राज्य को हेमंत के रूप में कमजोर मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को ये कहकर बरगलाया कि राज्य में आदिवासियों की सरकार बनानी है। आदिवासियों ने गद्दी उन्हें दे दी, लेकिन अब उन्हीं आदिवासियों पर ये सरकार अत्याचार कर रही है। अब वह राज्य में नाम पर सत्ता हत्या, अब आदिवासियों को ये सरकार भूल गई है। इस सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है उससे तो झारखंडी आदिवासियों के बच्चे नौकरी से पूरी तरह वंचित हो जाएंगे। जो भी आदिवासी बाहर के राज्य में नौकरी कर रहा है और उसके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें इस नियोजन नीति के तहत झारखंड में नौकरी मिल ही नहीं सकती है। खैर, ये सियासत की बातें हैं जो आजकल झारखंड में काफ़ी गर्माई हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।